दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज INBCN के स्टूडियो में ऐसी टीम आई हुई है जो आने वाले दिनों में एक अंतिम डाव यह मराठी मूवी बनने वाली है। उस मूवी के लिए जानदार शानदार इस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डांस डायरेक्टर के अलावा और भी कुछ स्टार कास्ट आई हुई है। आइए हम सीधा रुक करेंगे उनके पास और उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते अंतिम डाव उन्हें करना पड़ रहा है, और ये जो अंतिम डाव है ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और कितने शहर के लोगों को, विद्यार्थियों को और युवाओं को ये जागरूक करने वाली फिल्म है। इससे क्या समाज में प्रबोधन होगा, आइए तमाम बातों को लेकर रुक करना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में शकील जिंदरान साहब है जो कि निर्माता आप देख रहे इस समय में शकील जिंदरान साहब, साथ ही साथ में राजू पारसेकर है जिन्होंने कई फिल्मों में बतौर डायरेक्टर के तौर पे काम किया है और फिल्में भी हिट हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से खाने में यदि नमक हो और सही मायने में हो तो खाने का वो अंदाज बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सा होता है, ठीक इसी प्रकार से फिल्म कोई भी हो जब तक उसमें डांस ना हो और डांस में जो एक खासियत जो होती है वो करने का काम जिन्होंने कई फिल्मों में लगातार अपनी ये पेशकश दी है। ऐसे शहर के जाने माने पप्पू खन्ना साहब भी इस समय हमारे साथ में है और मैं हूँ आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, जिस प्रकार से आज हमारे स्टूडियो में ये जो तीन महानुभाव आए हैं ये अपने आप में अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है और अपने काम का लोहा भी इन्होंने मनवा दिया है। आइए सबसे पहले हम निर्माता शकील जिंदरान साहब से बात करते हैं। जिंदरान साहब, बीच का ऐसा एक दौर था मराठी फिल्मों में कि जिसको मराठी में कहते कि मरगड़ आली, यानी वो फिल्में ज़्यादा चल नहीं पा रही थी और हिंदी फिल्मों का तो कुछ पूछो मत, ज़बरदस्त हिंदी फिल्में आ रही है और बेहतरीन तरीके से आ रही है, उसका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन आपके मन में मराठी फिल्म करने की क्यों सूझी और अंतिम डाव फिल्म का क्यों रखा गया, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। जी, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा और ये दिखाना चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से कि हमने जो ये संकल्पना जो ली है मराठी फिल्म की, हिंदी फिल्म तो अक्सर हम देखते हैं, मराठी फिल्म का जो दौर ऐसा लग रहा था कि चला गया, लेकिन मुझे अब लगता है कि उस दौर की आज ज़रूरत है और उस पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है जी, क्योंकि जो अपनी मातृभाषा है महाराष्ट्र की मराठी है जी, और उसको ही हम अगर भूल जाएंगे तो आगे हमारे आने वाली पीढ़ी ये भूल जाएंगी कि मराठी क्या है। इस उद्देश्य को लेकर हमने मराठी का ही हमने प्रोग्राम बनाया कि पिक्चर बनाएंगे। रही सवाल अंतिम डाव की, कि अंतिम डाव ही नाम देने की वजह क्या हुई जी, हम तो एक बार एक शॉर्ट में इसकी दिखाना चाहूँगा कि क्योंकि पिक्चर को रिलीज बनने से पहले अगर मैं कर दूँ तो दर्शकों का रुझान बदल जाएगा जी, मैंने सोच बदल जाएगी, सब तो मालूम होगा अब देखना क्या है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म है स्टूडेंट्स के ऊपर, कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं जी, पढ़ाने भेजने के बाद में उसके ऊपर देखा जाता है कि अपन इत्मीनान यानी मन को शांत कर लेते कि मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो जी, मगर उनके साथ में जो उस वक्त जो गुजरता है, जो हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेजों में रहते हैं, वहाँ उनके साथ में क्या क्या घटता है, इससे हम अनभिक्ष रहते हैं जी, जी हमें पता तक नहीं होता कि क्या हो रहा है। बस इसी को दर्शाने की हमने इस फिल्म के अंदर कोशिश की है और जिस वक्त हमारी पिक्चर रिलीज होगी तो मुझे इस बात की खातरी है कि हर देखने वाला ये इस बात से एक संदेश लेकर जाएगा कि वाकई इस फिल्म के ज़रिए हमें एक ऐसा मैसेज मिला है कि बच्चों को किस तरह से वो हॉस्टल में रहने के बाद भी उन पर नज़र रखना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स रहते हैं जी, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी संदेश मिलता है कि हमें उस पर किस तरह उसको वर्कआउट करना चाहिए, बच्चों की ज़रूरतों को किस तरह ध्यान देना चाहिए। इस वजह से इस पिक्चर को हमने बनाने का अंजाम दिया है और बहुत जल्द इस पिक्चर को हम पूरा करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सर जी ने कहा है कि भाई इसके बारे में बताइए कि मराठी क्यों, मराठी इसलिए थे कि भाई उसकी एक चालना हो, लोगों को उसका एहसास हो कि वो पिक्चर अपने मराठी देखनी चाहिए, और ख़ासकर जैसा हमने इसके लिए ऑडिशन रखा है जी जी, 7 तारीख को हमने नागपुर में ऑडिशन रखा है, 7 जनवरी को, और 11 तारीख को नासिक में है जी, और फाइनल जो राउंड हमारा है वो 18 तारीख को मुंबई में है रविंद्र नाट्य मंदिर जी जी, पुल देशपांडे सभागृह के अंदर रखा गया है। दर्शकों, जिस प्रकार से निर्माता शकील जिंदरान साहब इन्होंने जो जानकारी दी है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये फिल्म बनाने का उद्देश्य क्या है और थीम काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस प्रकार की थीम अक्सर देखी नहीं जाती है, लेकिन आए दिन जो बच्चे बाहर के प्रांतों से, राज्यों से पढ़ने के लिए इस शहर में आते हैं, आने के बाद
पेरेंट्स तो उन्हें उनके जो अभिभावक है वो उन्हें तो भेज देते, लेकिन उसके बाद क्या बच्चों के साथ होता है ये खास दर्शाया गया है। जैसे रैगिंग हो या उनके ऊपर में कुछ विपदा आई हो या किसी ऐसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हुए नजर आने वाले ऐसी जिज्ञासा जैसे आपको पड़ी है दर्शकों, ठीक मुझे भी पड़ी है। पिक्चर अभी होना बाकी है लेकिन पिक्चर का जो एक टाइटल और जो पूरी जो बातें हैं जो इर्द गिर्द जो घूम रही है उससे तो मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि पिक्चर तो सुपर डुपर होगी होगी। और कब कब पिक्चर थी कब मैं जाता और आपके साथ देखना चाहूँगा। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूँ कि जिस प्रकार निर्माता यहाँ पे शकील जिधना साहब है इनके बारे में बता दूँ कि सर आप है यवतमाल के एक बहुत नामचीन ऐसे बिल्डर है। यूँ देखा जाए तो बिल्डर सिर्फ अपने जो बिल्डिंग जो बनाने का काम करते हैं लेकिन बिल्डर में भी एक कलाकार है, जिसमें कला है वही ये काम करता है और यही काम किया है शकील जिधना साहब ने। अब हम सीधा रुक करने चाहेंगे, इस समय हमारे साथ में डायरेक्टर है, कई फिल्मों में इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म में भी काफ़ी मशहूर हुई है। सबसे बड़ा जो रोल होता है वो डायरेक्टर का होता है और यही काम राजू पारसेकर हमारे साथ में है, चलिए उनसे भी जानना चाहेंगे। राजू भैया ये बताइए कि अब तक के कितने फिल्मों में आपने फिल्मों को डायरेक्ट किया है? एक्चुअली मेरी शुरुआत तो गोविंद नियालानी जो बड़े डायरेक्टर हैं उनके साथ हुई जी, जैसे अर्ध सत्य पार्टी आघात बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की फिल्में में हुई थी। उसके बाद मैंने NFDC की एक हस्तक नाम की फिल्म की थी, वो कॉलेज स्टूडेंट पे ही थी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज पे थी और वो बहुत बड़ा सेंसेशनल सब्जेक्ट था और इसलिए वो बैन हुई थी उस वक्त। और फिर दो तीन एक लाठीचार्ज नाम की फिल्म की थी मैंने हिंदी। उसके बाद मैं कम से कम 9-10 फिल्में मराठी कर चुका हूँ इसके पहले जी। मेरी बहुत सी फिल्में टेलीविज़न पे जी टॉकीज पे या स्टार पे आती है जी। जैसे ये सतनागत नाम की फिल्म है उसको कनाडा दुबई या इंटरनेशनल अवार्ड मिले। फिर पुलिस लाइन नाम की फिल्म है, पुलिस लाइन में पुलिस में जो यूथ है कॉन्स्टेबल्स की उनकी लाइफ में वो जो यूथ है उसके ऊपर मैंने वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म बनाई थी, उसको भी बहुत इंटरनेशनल अवार्ड मिले और वो भी जी टॉकीज पे आती है। फिर वांटेड बाइको नंबर 1, 3 बाय का फजी दे का बहुत ही मेरी सुपरहिट फिल्म है मराठी में जिसमें मकरंद अनासपुर है, वो भी टेलीविज़न पे। और बहुत सी सीरियल्स मैंने हिंदी मराठी जैसे हम्पाज है जो मेरी पॉपुलर सीरियल जो बालाजी की, फिर हम सब एक नाम की मेरी सोनी पे बहुत बड़ी सीरियल थी 3 साल चली थी, फिर CID स्पेशल ब्यूरो पुलिस लाइन वगैरह बहुत सी पुलिस डायल 100 मुंबई पुलिस जी। तो ऐसा ये मेरा जर्नी है टेलीविज़न हिंदी मराठी फिल्म्स हिंदी सीरियल्स ऐसे करते करते अभी यहाँ पर आया। और मेरी अभी अहिल्या नाम की फिल्म रिलीज़ होगी मार्च में मराठी फिल्म में। और अभी ये फिल्म जो कर रहा हूँ वो बहुत ही यूथ को लेकर ये फिल्म है कि एक एज होता है ना कि 22-23-24 के बीच में एक मतलब ऐसा होता है ना भाई कंफ्यूज यूथ होता है, मतलब उसको बहुत कुछ करना होता है और कुछ करने के लिए जाते हैं कहीं अलग ट्रैक पे जाते हैं, उनमें उबाल भी बहुत है। मतलब ऐसा रहता है ना कि क्या करे उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल। और वो जो बहुत ही डेलिकेट जो साल होते हैं जिंदगी के वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हॉस्टल में रहना या कहीं भी जैसे कॉलेज के माहौल में रैगिंग जैसे आपने कहा जी, तो ये बहुत से चीज़ों में ना ये जो यूथ है जो युवा है वो पैर फिसल सकता है, अगर फिसला तो ऐसे फिसलता है कि फिर से उभर नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन आती है। तो बहुत ही मतलब सेंसेशनल सीरियस ऐसा विषय है लेकिन उसको अच्छे कमर्शियल ढंग में हम लोग उसको पेश करेंगे कि ऐसा नहीं हो कि बहुत ओवरडोज हो उसका, इसीलिए गाने होंगे डांस होंगे जैसे पप्पू जी हमारे बहुत मशहूर डांस डायरेक्टर यहाँ है तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें मिक्स करके एक मैसेज जो है ना वो अंडर करंट रहेगा उसमें इस फिल्म में। तो राजू पारसेकर साहब जो कि इस फिल्म के बतौर डायरेक्टर है और जिस प्रकार से ये फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अपने आप में एक होगी, क्योंकि इसके पहले में राजू पारसेकर एक ऐसा नाम है ऐसा
मध्य भारत का कि जिन्होंने अब तक के पुलिस लाइन सतनागढ़ शेजार लाठीचार्ज तीन बाई का फजीते क्या ऐसे कई एक के एक से बढ़कर एक ऐसे फिल्मों में उन्हें जो जब भी उन्हें कुछ ऐसा मौका मिला तो उन्होंने उसको मैच को विन कर दिया। कहने का मतलब ये कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है और हो भी क्यों ना क्योंकि अंतिम दाव भी इसी प्रकार से हो सकती है। अब हम रुक करना चाहेंगे इस समय हमारे साथ में, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कुछ भी लचीला व्यंजन बनता है, जब भी कुछ खाना बनता है विद्वान साहब, तो उसमें नमक की ज़रूरत होती है। और जिस प्रकार का ये नमक, कहने का मतलब जो डांस का जो होता है तो कोरियोग्राफर का बहुत अपना एक अहम भूमिका होती है और यही भूमिका निभाई है पप्पू खन्ना साहब जो कि इस समय हमारे साथ में। पप्पू भैया ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज आपको सबसे पहले स्टूडियो में आके? मेरे को फर्स्ट टाइम, तो पहली बार तो मैं नागपुर में आया हूँ। आज तक यहाँ कभी शूटिंग नहीं किए, बाकी सब जगह किए, नासिक किए, कोल्हापुर, सतारा, सब जगह गए, वाई किए, पंचगनी, मगर नागपुर में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और ये स्टूडियो में आने के बाद एक नयापन, एक खुशी मिल रही है, पॉजिटिव फील आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कहाँ आ गया, ये नहीं, मतलब एक पॉजिटिव फील आ रहा है। ये बताइए खन्ना साहब के कोरियोग्राफर में जो महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी बातें होती है? कोरियोग्राफर को क्या है ना, पहले तो सब्जेक्ट स्टोरी भी बैठना पड़ता है। आजकल के कोरियोग्राफर क्या कुछ करते नहीं है, बस गाना आया करके पिक्चराइज करके चले जाते हैं। हम लोग पुराने हैं, जैसे BR फिल्म्स की निकाह, निकाह फिल्म में हम लोग बाकायदा सब्जेक्ट पे बैठे, चोपड़ा जी बुलाते थे, ये सब्जेक्ट है, ये कव्वाली आएगी, ये गज़ल आएगा, ये यहाँ कॉलेज का गाना आएगा, ये वो डिस्कस करते थे, फिर वो स्टोरी के हिसाब से गाना बनता था। तो यही हम लोग आज तक वही प्रोड्यूसर के साथ बैठते, डायरेक्टर के साथ बैठते, क्या है अभी, अब लोकेशन यहाँ है, लोकेशन देख रहे, डायरेक्टर बोल रहा ये, मैं बोल रहा हूँ हाँ ये, तो एक टीम वर्क है, ये वन मैन शो नहीं है फिल्म लाइन, फिल्म लाइन इज अ टीम वर्क, तो सब मिल के होता तो एक पिक्चर में ताकत आती है। तो हम लोग मेहनत कर रहे, कुछ शकील भाई फर्स्ट टाइम कर रहे, हम लोग हेल्प कर रहे, उनको कहाँ कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा 5,000 लोग का घर चलता है। हम ये चाहते हैं कि प्रोड्यूसर हमेशा अच्छा रहे, तो हमारा साथ हमेशा है। और हमने तो इतना कैरियर देखा, इतने साल से करते आ रहे, अभी इसकी किया प्रियंका चोपड़ा की किया कार्य रासकला, फिर उसका किया अपने क्या नाम उसका, हाँ गोविंदा नहीं, अपना मराठी पिक्चर झोलझाल किया, अभी अभी झोलझाल आ रही है, वो बाबू रावला पकड़ा वो किया, वहाँ बैंकॉक जाके, बैंकॉक तो कंटिन्यू 25 दिन हम लोग शूट किए। तो मतलब मैं मराठी से कैरियर स्टार्ट किया हूँ। मेरे फादर भी डांस डायरेक्टर थे, सोनलाल खन्ना जी, एक वो कमलाकर तोड़ने की जितनी माने साहब की पिक्चर, अबन लक्ष्मी, तो मैंने मराठी से कैरियर स्टार्ट किया उनके साथ ही, तो मेरा गाना भी हिट हुआ था, वर ढगा लगली कर पानी थेम थेम गढ़, दादा कोंड के उषा चौहान, उसमें उषा चौहान मेरे को राखी बांधने बॉम्बे आती थी। मतलब इतना हम लोग, सचिन की पिक्चर, इतनी पिक्चरें किया हमने, प्रभाकर नायक, काफ़ी पिक्चर किया, तो हमने कैरियर बचपन से वहाँ से शुरू किया था। और करते करते फिर मेरा हिंदी में हो गया, हिंदी में कंटिन्यूस करते रहे, जैसे BR चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, राज सिप्पी, उमेश मेहरा, ये हमारा ग्रुप हो गया, एक फैमिली जैसा था। बिल्कुल, जिस प्रकार से राजू खन्ना साहब ने जो बताया है कि कोरियोग्राफर करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और कितना तामझाम करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलना पड़ता है। यूँ ही कहते हैं ना कि हम किसी की यदि तारीफ करते हैं तो राजू भाई हम यही कहना चाहेंगे आप तीनों के लिए और पप्पू भैया हम सभी लोगों के लिए कि यूँ ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दादा कुंड के साहब का जिस प्रकार से जिक्र इन्होंने किया है, दादा कुंड के साहब उस दौर में वाजू का नाम एक मराठी फिल्म आई थी वाजू का, और उसके अंदर में वो जब नागपुर आए थे तो हमारे स्टूडियो में हमसे मुलाकात की थी, हमने काफ़ी ढेर सारी बात भी की थी। आज दादा कुंड के भली न रहे हो लेकिन दादा कुंड के अपने आप में जबरदस्त नाम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादा कुंड के साहब को भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से क्यों न हो हम उन्हें अभिवादन करते हैं। मेरा अगला सवाल शकील भाई आपसे ये है कि आपकी भी एक मन में ऐसी तमन्ना है कि ये मात्र मराठी में न होते हुए और भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या कहना चाहोगे? जी सर, ये मराठी फिल्म में हमें शूट कर रहे हैं लेकिन हमारी मंशा है ये 8 भाषाओं में पिक्चर रिलीज की जाएंगे जी। सबसे पहले मराठी में करेंगे, बाद में गुजराती, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी और अदर जो भाषा है जो हमने 8 चैनल आज भाषाओं का हमने चयन किया है। और जल्दी यानी हमारा ये बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं है, हम राजू सर जी और पप्पू खन्ना जी से हमारी ये मीटिंग हो चुकी कि हम ये 2 महीने के अंदर पिक्चर का शूटिंग का प्रोग्राम पूरा कर लेंगे।
सर अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी ये फिल्मों का कोई शूटिंग होता है तो मुंबई और मुंबई के बाहर में शूटिंग होती है, क्या इस समय में क्या विदर्भ के कुछ ऐसे इलाके आपको मतलब देखे हो आपने कि जहाँ आप लोकेशन देखे हो कि जहाँ काम करना चाहते हो? हाँ जी देखिए ना, तो उसी के लिए हमारी ये टीम मौजूद है। अभी हम स्पॉट जैसे कुछ नागपुर के भी हमने शॉट देखे हैं जी, कुछ जैसा वो कुंता वो एक मंदिर है यहाँ पे रुक्मिणी पांडुरंग मंदिर है, हाँ बहुत बड़ा मंदिर है, हाँ वहाँ पे जैसा लोकेशन है बहुत बढ़िया नदी का है जैसे, और शूट करने के लायक लोकेशन है वो भी हमारे नज़र में है। कुछ हमने जैसे जंगल के जैसे सीन देख के रखे हैं, हाँ। और भी कुछ जैसे इनको हम दिखा रहे हैं, अच्छी लोकेशन होगी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो एक विजुअल ट्रीट बोलते हैं ना, जैसे हर सीन में कोई बैकड्रॉप में नागपुर दिखे, क्योंकि कितनी बहुत सी फिल्में शूट हुई है यहाँ और जो नहीं हुई है, मतलब हम तो शकील भाई से ये बोले कि नई नई लोकेशन दिखाओ जाओ जो देखा नहीं लोगों ने, वो हम दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, और नागपुर की पहचान यही है कि नागपुर अपने आप में है, क्योंकि आने वाले दिनों में नागपुर ये भारत की राजधानी बनने जा रही है। जिस प्रकार से मुंबई कैपिटल है, नागपुर भी राजधानी बनने वाली है, बहुत जल्दी बनने वाली है, इसमें कोई समय नहीं लगने वाला है। मेरा एक सवाल ये था राजू भाई आपसे कि जब हम फिल्म को डायरेक्ट करते हैं तो खासतौर पे कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है? डायरेक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक बोलता है ना स्टोरी टेलिंग, मतलब आप आप कोई स्टोरी जैसे एक ऑडियो के हिसाब से सुनाते और फिल्म के माध्यम से आप दिखाते, तो जैसे मैं मुझे ऐसा लगता है ना जैसे आप कोई भी हॉलीवुड की फिल्में देखो कुछ देखो तो वो ना हिलते नहीं, कहानी कभी हिलती नहीं है, कहानी यहाँ वहाँ घूमती नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेसिक मुझे लगता है फिल्म का है कि वो कहानी का फ्लो है ना लोगों को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। भले हमारे फिल्मों में सॉन्ग्स आते हैं जो हॉलीवुड में नहीं होते, बॉलीवुड में होते और ओरिजिनल फिल्मों में होते, कहानी जो स्टोरी टेलिंग है ना वो पावरफुल होना चाहिए और उसके हिसाब से फिल्म होनी चाहिए, ये मेरा मत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजू भाई पारसेकर इनका ये उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। दर्शकों जिन्होंने अभी भी अपने टीवी सेट शुरू किए उनको लिए मैं बता दूं कि इस समय में खास मुलाकात इस प्रोग्राम में INBCN के स्टूडियो में अंतिम टाव के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और डांस कोरियोग्राफर यहाँ पे आए हुए, जैसे कि शकील जिंदरान साहब है, राजू पारसेकर साहब है, पप्पू खन्ना साहब है, तो ये लोग आ जाए और इनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल आपसे ये था कि मुंबई नागपुर के अलावा और भी कुछ ऐसे ग्रामीण इलाकों में आप ऐसी खोजबीन कर रहे हो क्या उन कलाकारों के? ये हमने इसीलिए ऑडिशन रखा है 7 तारीख को नागपुर में कि वो आकर अपनी कला दिखा सके जी और उनको चांस मिल सके। अगर उनमें कला है तो हमने निशुल्क हमने ये ऑडिशन रखा है जिसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है और बेहतरीन हम कलाकार की तलाश में हैं। तो दर्शकों अंतिम डाव इस जो फिल्म बनने जा रही है और खास मुलाकात इस कार्यक्रम में ये तमाम जो महानुभाव आए हैं, इस समय में वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर से जानना चाहेंगे कि अंतिम डाव की और क्या विशेषता है, देखते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत, मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। ब्रेक पर जाने से पहले अंतिम डाव इस फिल्म को लेकर हमने काफ़ी चर्चाएं की। इस समय मैं आपको बता दें कि हमारे साथ में फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के कोरियोग्राफर और फिल्म के निर्माता यहां पे आए हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम बातें की, ब्रेक के बाद फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। शकील साहब ये बताइए कि कोई भी फिल्म में यदि गाना न हो, खाने में यदि मीठा न हो तो खाना खाना नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से कोई भी फिल्मों में यदि गाना न हो तो फिल्म फिल्म नहीं होती, क्या आपके फिल्मों में भी कुछ गाने वाने हैं होने वाले? जी सर, इसमें हमने वैसे 5 गाने रखे हैं जी, 4 गाने हैं और 1 कव्वाली है। कौन से खास तौर पर कौन से ऐसे गायक कलाकार हैं जो अपनी आवाज़ को दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं आपके इन फिल्मों के माध्यम से? हमने इस फिल्म में जैसे नामचीन संगीतकार लिए, जैसे श्रेया घोषाल है, शान है, ओके शान, जावेद अली है और बेला शिंदे। अच्छा जी, ये बड़े जैसे गीतकार हमने लिए, संगीत गायक लिए हैं और गीतकार जो हमारे इसमें अजिंक्य जैन है जो काफ़ी मशहूर गायक वो संगीतकार है। यानी संगीत के बारे में जब भी जिक्र आता है तो यही कहते हैं कि
संगीत है स्वर शाम की, हर शाम में बसे है गान, रागी को मिले रागिनी और रोगी को मिले आराम। संगीत एक मंत्रुप्त कर देता है, संगीत कानों को, संगीत जीवन है, संगीत पानी है, संगीत आसमां है, संगीत सांस है, संगीत संगीत है, संगीत है, हम सब संगीती है। सर एक भी और एक बात मैं पूछना आपसे, ये भी चाहता था कि जिस प्रकार से म्यूजिक जो होता है वो भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक डायरेक्टर को आपने ये आपके फिल्मों में मतलब बतौर म्यूजिक डायरेक्टर दिया? म्यूजिक डायरेक्टर हमारे जो है अजिंक्य जैन है। जी जी जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, हिंदी मराठी और भोजपुरी गुजराती सभी फिल्म करते हो, और अच्छा नाम है उनका, और हमारी फिल्म में भी वो संगीत दे रहे हैं, और उनके जो संगीतकार के जो फादर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है। और सर जहाँ कलाकारों की जहाँ बात आती है, तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई नई मूवी बनती है, चाहे मराठी हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, तमिल हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, जो जो भी है, उनमें जो स्टार कास्ट होते हैं वो अपने आप में एक मंझे कलाकार होते हैं। क्या आपकी फिल्मों में भी कोई ऐसे तगड़े कलाकार है क्या मंझे हुए? जी जी जी, इसमें हमारे इसमें काफ़ी बड़े बड़े कलाकार है, और कलाकार भी है, और मेल फीमेल दोनों कलाकार नामचीन है, जिनको आज हम मैं नाम बताऊँ तो ऐसा कोई नहीं है कि जो ना पहचाने करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जैसा ऑडिशन के बाद ही ये नाम सामने दे दें। मुझे ज़रा मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, एक मैं बात ज़रूर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, कि ये जो नए कलाकारों को जो चांस दिया जाता है ना, तो मुझे मतलब डेफिनेटली कहना है कि कोई भी पैसा लेकर अगर आपको रोल देता हूँ या मैं ऑडिशन पैसा लेके करता हूँ, तो वो आदमी आपको कभी काम नहीं देगा, ये याद रखना। अब मैं सबको बोल रहा हूँ, जो जैसे मराठी चित्रपट महामंडल है, उनका भी रूल है कि आप फी चार्ज नहीं कर सकते ऑडिशन को। अच्छा, तो यहाँ से बहुत से लोगों ने दुकान खोले हुए हैं, नागपुर में है, ऑल ओवर है, मतलब मैं इस सबको जो देखते हैं उनको सबको बोलना चाहता हूँ कि जो पैसा लेगा वो आपको काम नहीं देगा। अच्छा, वो अपनी दुकान चला रहे, तो जो यूथ है, जो नए नए बहुत से मैंने, हमको भी बहुत से मिले, हमने 10,000 दिया, 15,000 दिया, 20,000 दिया, और हमको रोल देते बोला रोल नहीं दिया, तो जो पैसे लेने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहो। ये मुझे सब नए कलाकार वो जो ये देख रहे हैं उनको मेरी ये सूचना है कि पैसे मत दो, काम मिलेगा नहीं। प्रकार से आपने ये जो एलिगेशन जो आरोप उन लोगों के ऊपर में लगाए, काफ़ी हद तक ये सही भी हो सकते हैं, मेरा सवाल यही है कि फिर आपकी जो पूरी बॉडी होती है, क्या आप लोग इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं बात करते हैं खुले तौर पे मंच पे आके? नहीं नहीं, ये अभी मराठी चित्रपट महामंडल ने तो पूरा रूल बनाया है, और उनके एक कमिटी है, वो लोग जाके वहाँ उधर रेड करते हैं, और उनको जिनके कार्ड है उनको जो महामंडल से बाहर करते हैं, वो स्ट्रिक्ट किया है मराठी में। तो ये मतलब पैसे लेके करने का ये धंधा चल रहा है, बॉम्बे में भी चल रहा है, तो इससे सावधान रहना है, पैसे देके कोई काम नहीं देगा। मराठी महामंडल का सदस्य नहीं है, महामंडल सदस्य नहीं, जो सदस्य नहीं है, तो क्या उनको आप चांस दोगे? नहीं, क्या नहीं, अगर नहीं, कला नहीं, नहीं, एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैसे लेते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपको रोल देंगे और ये ऑडिशन फी 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया। वो जो लेने वाले लोग हैं ना, ये बहुत सी जगह है, मतलब ये सब जगह एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमको ऑडिशन को 100 रुपये चाहिए। आप सोचो कि एक दिन में जैसे बॉम्बे जैसे 500-1,000 लोग एक जगह आते हैं, 100 रुपया मतलब ये कमाई है उनकी, और काम कुछ मिलने वाला है, लेकिन उनका एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन, उनका कोई कनेक्शन नहीं फिल्म लाइन से जो पैसे लेके काम करते। मैं जो आपका सवाल है मैं जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कलाकारों के लिए जो आपने कहा कि अगर वो कलाकार के पास में कार्ड नहीं है तो उनको हम काम नहीं देंगे क्या? हाँ। तो बेशक हम उनको काम देंगे, और रितसर उनकी पावती बनाकर उनको उसका मेंबर बनाएंगे हम, बराबर सर? हाँ, उनको कलाकार कुछ कलाकार जो नए आते हैं उनके पास तो देखो प्रोड्यूसर नहीं रहेगा, प्रोड्यूसर अगर लेटर देता है ना तो उनको कार्ड, उनको मेंबर बनाना जरूरी है कि भाई हमारी फिल्म में हम उनको चांस दे रहे हैं तो आपको कार्ड मिलेगा, और कार्ड ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो इजीली मिल सकता है अगर आप कोशिश करें, लेकिन पैसे देके कुछ नहीं होगा। बिल्कुल।
जिस प्रकार से इन्होंने जो जिक्र किया है कि इनके फिल्मों में एक बड़ी ही स्टार कास्ट है जो बेहतरीन काम करने वाली है, मनजीवे सभी कलाकार है, लेकिन साथ ही साथ चाहे नागपुर हो, विदर्भ हो, मुंबई हो या महाराष्ट्र का ऐसा कोई शहर हो, कोई भी ग्रामीण इलाका हो, वहाँ पर भी यदि अच्छे डायमंड, कहने का मतलब है जो कुछ जिनमें अच्छी कलाएँ हैं, जो प्रतिभाएँ हैं, उनको मंच देने के लिए ये तमाम लोग पूरी तरह से तैयार है। और इसी फेरिस में मैं एक नाम कहना चाहूँगा कि नागपुर शहर के एक ऐसे पुलिस टूडे के जो चीफ ब्यूरो है गुड्डू भाई, उनको भी इस फिल्म में काम दिया है। और तो इस प्रकार के ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने चांस दिया है, हो सकता है कि उनका भी अपना करियर स्टार किसी के घूम सकते हैं। और हम तो आपके लिए यही कहना चाहेंगे हमारे बीसीएन टीम की ओर से कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, देने को तो हम कुछ नहीं दे सकते, ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको, ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको। जाते जाते मेरे कुछ दो या तीन सवाल है और उसके बाद में हम तमाम लोग आपके फिल्म के पूरे कामकाज के लिए पूरे जुट जाने वाले। सर, जैसे कि आपने जो डांस की बात किया, डांस पे अक्सर ये देखा जाता है कि एकल डांस और कुछ ऐसे हाँ ग्रुप डांस होता है, आप किस पे ज़्यादा बिलीव करते हो, एकल डांस या ग्रुप डांस? देखो, आजकल के टाइम पे ग्रुप डांस बहुत कंपलसरी हो गया है जी। क्या ग्रैंजर दिखता है आज, सिनेमा बड़ा सिनेमा हो गया, पहले जैसा नहीं रह गया, दो हीरो हीरोइन नाच रहे दोनों कर रहे, अभी वो नहीं रहेगी, अभी हीरो हीरोइन भी कर रहे तो पीछे से पासिंग चाहिए, ब्लॉक भरा हुआ चाहिए, क्योंकि ग्रैंजर आजकल का टाइम चेंज हो गया है। अभी क्यों हम लोग नए स्टार कास्ट ढूंढ रहे, क्योंकि नए टैलेंट में डांसिंग बहुत अच्छा है आजकल, बच्चे बच्चे डांस करते, और पहले तो कोई नहीं करता था, पहले हम लोग रेडियो सुन के बड़े हुए, हवा महल सुन के, टीवी नहीं था, आज बच्चे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, आज यंग जनरेशन इतनी आगे बढ़ गई, तो हम लोग चाहते हैं कि सब नए आए, तो हम लोग बोल रहे, प्रोड्यूसर बोल रहा है आओ ऑडिशन दो, तो इसमें हम भी सोच रहे कोई नया आए तो हमें भी मज़ा आएगा कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि सब बड़े बड़े स्टार कास्ट को कितना नचा है हर मराठी के, पहले हमने लावनी से स्टार्ट किया, अभी लावनी ख़त्म हो गई, अब वेस्टर्न आ गया पूरा, आज की मराठी पिक्चर देखो पूरा यूथ मॉडर्न हो गया, अभी कोई लावनी नहीं देखने को तैयार है। क्या और क्या क्या चल रहा है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि डांस बोले तो जैसे गार्डन में दिखाते हैं अक्सर एक ग्रुप डांस होता है, उसके बाद में जो अलग अलग जो हमारी बोली भाषाएं जो हमारे देश की है, क्या उनके इसमें आने वाले है कि उस प्रकार के किरदार? नहीं, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में हो ग्रुप तो डाले, जैसे आइटम सॉन्ग है हमारी पिक्चर में, तो उसमें बाकायदा हम आइटम सॉन्ग में रशियन लड़कियाँ भी रखेंगे। अच्छा, वो आइटम सॉन्ग ऑडियंस को चाहिए कि आइटम एक लड़की कर रही, मैंने दो तीन आर्टिस्ट से बात किया है, काफ़ी आर्टिस्ट से बात किया कि आइटम सॉन्ग के लिए हिंदी की भी बात की, तो मतलब कोई ना कोई हिंदी या मराठी, मैं मानसी नायक से भी बात किया हूँ, मानसी नायक बोले गाना रिकॉर्ड हो जाए, पप्पू जी आप जब बोलो मैं करूँगी, तो मेरे साथ सबके रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि इतने साल से काम करते आया हूँ तो कोई मना नहीं करता, तो जब तक गाना रिकॉर्ड होएगा हम जाएंगे, अच्छे आर्टिस्ट लाएंगे, उसके पीछे क्या ग्रैंजर है गाना रिकॉर्ड होने के बाद मालूम पड़ता है, अभी ड्यूट सॉन्ग है तो ड्यूट सॉन्ग रहेगा, पहले एक्सप्रेशन से काम होता था, आजकल एक्सप्रेशन खत्म हो गया, पहले एक हीरो हीरोइन को बोलता था देखते शर्माना, अब आजकल कहाँ है, फुल आपस में ऐसे टकरा था, हाँ ये पुराने ये थे, अब वो फुल नहीं दिखाई देते तो उसकी जगह क्या नया कुछ होने वाला है, बस अभी ये आजकल की जनरेशन फास्ट लाइफ हो गई, अभी एकदम टेक एंड गिव। बिल्कुल दर्शकों, जिस प्रकार से आप में भी उत्साह बना हुआ है, आप में भी ये चाहते कि आखिर ऐसा उस क्या होगा वो गाने में, मुझे भी बड़ी जिज्ञासा लगी कि क्या होगा वो गाने में, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि पप्पू खन्ना साहब आज हमारे स्टूडियो में है जो कि एक डांस के बेहतरीन ऐसे कोरियोग्राफर है। सर, मेरा एक सवाल आपसे था, शकील साहब ये बताइए कि ये जो अंतिम डाव है, अंतिम डाव के बाद में जैसी ये सुपर डुपर होती है फिल्म, ये तो बिल्कुल सुपर डुपर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हाँ आपकी जो बातचीत और आपका जो मन बना हुआ है वो इसी दिशा में लेके जा रही है, नई फिल्मों के बारे में कुछ सोचा है आपने? जी सर, ये मेरे कैरियर की शुरुआत है जी, वैसे मेरा 1993 से इसका अनुभव अच्छा है इस फिल्म लाइन के अंदर, और मैंने बहुत सारे फिल्मों के अंदर जो सेट पर रह चुका हूँ उसका अनुभव ले चुका हूँ, लेकिन मैं जो फील्ड में था बिल्डरशिप के, इसमें मुझे टाइम नहीं रहता था जी। लेकिन आज मैंने मेरी जो फैमिली है वो सारा काम काज संभाल चुकी है, इसलिए मेरे जो अरमान थे दिल में कि मैं कभी फिल्म बनाऊं, तो मैं उसको पूरा करने के लिए पहली मंजिल पे आके खड़ा हो चुका हूँ, हो सकता भविष्य में मैं जल्दी ही ये पिक्चर रिलीज होने के बाद में हिंदी पिक्चर का मैं काम शुरू करूँगा। जिनरा साहब, जिस प्रकार से देखते कि सुभाष घई के कई ऐसी फिल्में हमने देखा है कि फिल्मों में उनका भी एक छोटा सा किरदार होता है, क्या आपका भी कुछ किरदार होगा इसमें? जी, मैंने कॉलेज के ट्रस्टी का उसमें छोटा सा रोल लिया हूँ, और
है ना, कोई ऐसा अपने को एक्टर बनने का नहीं है, लेकिन एक अपने भी मन में है कि चलो एक अपना थोड़ा सा उसमें मामूली सा रोल हो करके। मैंने कॉलेज ट्रस्टी का रोल लिया हूँ, बाकी सारे बड़े कलाकारों को ही मैंने रोल दिया हूँ। सर ये बताए कि इस समय में तमाम इन्विजन के दर्शक आपको गौर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ऐसे आपके फिल्मों में क्या है कि जिसके चलते लोग आपके फिल्मों को देखने के लिए आए, क्या कहना चाहोगे? जी सर, इसमें तो मैंने इंटरटेनमेंट और कॉमेडी और सीरियसनेस और एक मैसेज और डांस वगैरह सारी चीज़ें उसमें मैच करके उसको बनाया है, और तगने लोग मेरे साथ बैठे हैं, और मेरे साथ में अच्छे राइटर जैसा दीप चांदे है, मेरे साथ में युवराज पाटिल है, जिन्होंने मुझे अच्छा खासा सहयोग दिया, और सब मिलकर हमने इसको अच्छी तरह से सेट किया है, और बेहतरीन अंदाज में हम ऑडियंस को फिल्म देंगे अंतिम डाव के नाम से। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज यहाँ पर जो हमारे साथ में आए हुए शकील जिंदाना साहब निर्माता, उन्होंने ये बताया है कि ये फिल्म जो है ये सबका जो कंट्रीब्यूशन है, सबकी जो कामकाज है, पूरी शिद्दत से पूरी मजबूती के साथ हुए हैं, तब कहीं ये जो फिल्म जो आने वाली है अंतिम डाव, ये अपने आप भी एक बहुत बड़ा डाव होने वाला है। तो दर्शकों, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि यदि आपके बच्चे अगर इस फिल्म में काम करना चाहते हैं तो इस समय तमाम लोग आए हुए हैं, और इनका ये कहना आप थोड़ा नोटिंग कर सकते हो कि 7 जनवरी को नागपुर के अंदर में विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो सभागृह है वहाँ पे ऑडिशन होने वाला है। यदि हमारे जो दर्शक नासिक के कुछ दर्शक हैं इन्विजन के, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि दर्शकों 11 जनवरी को आप नासिक में भी आपका ऑडिशन दे सकते हो। ठीक इसी प्रकार से 18 जनवरी मुंबई में भी ऑडिशन होने वाला है, यानी पूरे राज्य से ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार यहाँ पे आने वाले, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा, इन तमाम लोगों को आएगा, सिर्फ अब देर है कि कब ये फिल्म आती, और ये फिल्म मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए सबको भी आपके अपने जो कदम है आगे बढ़ाना होगा। और हम यही आपको इन्विजन के माध्यम से फिर से एक बार कहते हैं कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो, आगे सबसे हो चलो। तो दर्शकों आप थे ये तमाम महानुभाव, अगली बार फिर ऐसी किसी पर्सनैलिटी से हम आपको रूबरू करवाएंगे एक नए फिल्म को लेकर। तब तक दीजिए आप संजय मिरे यानी मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार।